हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई दीपक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज़ में। तो आज मैं एक और पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। ये पेपर है 6th सेमेस्टर का BSc एग्रीकल्चर और सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ट्रेड। तो दोस्तों, वीडियो पूरी होने के बाद में मैं आपको इस पेपर को भी दिखाऊँगा। उससे पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको खंड ए जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक आपको दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले, पहला क्वेश्चन, साख शब्द से क्या तात्पर्य है? और दूसरा क्वेश्चन है, निबल पूंजी अनुपात का सूत्र लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, किन्हीं 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम लिखिए। और चौथा क्वेश्चन, RBI और नाबार्ड का पूरा नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, विभेदी ब्याज दर योजना क्या है? विभेदी ब्याज दर योजना क्या है? उसके बाद में हमारा दूसरा सेक्शन शुरू होता है जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 5 अंक आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, भूमि विकास बैंकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7वां क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंध और कार्यों को लिखिए। और 8वां क्वेश्चन है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर तीसरा सेक्शन हमारा शुरू होता है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और हमारा है 9th क्वेश्चन है, कृषि वित्त को परिभाषित कीजिए और कृषि साख का वर्गीकरण कीजिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कृषि वित्त को परिभाषित कीजिए और कृषि साख का वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, प्रबंधन, पूंजी के स्रोत और कार्यों को लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, उद्देश्यों और कार्यों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि व्यवसाय में प्रबंधन के अर्थ, महत्व और क्षेत्र को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक विकास में स्वदेशी व्यापार की भूमिका को समझाइए। आपने सारा क्वेश्चन पेपर बड़े ध्यान से सुन लिया होगा। अब मैं आपको एक पेपर दिखाने वाला हूँ, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने पेपर अच्छे से देख लिया होगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट करें चैनल को, ताकि चैनल जल्दी से जल्दी ग्रोथ करे और हम बहुत जल्दी आप सभी की और ज़्यादा मदद कर सकें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।